गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कल वाला काम किया था? अच्छा, हाँ जी सर, वो विंडो बनाई है, पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ था सर। और पहले वाले जो मॉडल थे वो? हाँ सर, वो हो गए। तो फाइल तो सबमिट करो ना ग्रुप पे। पता कैसे चलेगा कि मतलब कितना काम कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो? ठीक है सर, मैं भेजता हूँ आपको फाइल। ग्रुप पे भेजो ताकि सब बाकी लोग भी देखेंगे तो क्या उनको लगेगा कि ओके मुझे भी करना है। ठीक है सर। और कल वाली क्लास में कोई डाउट? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। बाकी सर जब कंप्लीट हो जाएगा, अगर बीच में आएगा तो मैं पूछ लूंगा सर आपसे। इन्फॉर्म किया? अच्छा, हाँ जी सर, डाल रहा हूँ मैसेज। अभी कितने बजे क्लास थी तुम्हारी, पहले इसके पहले वाली? मैं कल वाली क्लास को ही स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जो पार्ट्स बच गए थे उसे आज कंप्लीट करेंगे। इसमें से कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नहीं बना था, तो उसके लिए इमेज देखेंगे एक बार। देखो यहाँ पे जब देखोगे तो ये इसकी दूसरी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का एंड पार्ट है जहां पे जाकर ये चीजें खत्म हो रही है। वो कैसे पता चला? यहां से कोई इधर कोई भी पार्ट ज्वाइंट नहीं हो रहा है। हमें क्या बनाना है, यहाँ पे एक गेट बनाना है, गेट के नीचे इसका बेसमेंट बनाना है, देख रहे हो बेसमेंट?
अगर बेसमेंट नहीं भी बनाना है तो हमें ये फेंसिंग बनानी है। फेंसिंग बनाने के लिए हमें यूज करना है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें बहुत सारे सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट हैं तो इसे इजी वे में बनाना होगा। विजुअल है ना ये वाला इमेज? यस सर। सो देखो, ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, ये वाला पार्ट स्फेरिकल है और इसके ऊपर थोड़ा सा एक डिजाइन बना हुआ है। सो हमें क्या करना है, हमें बनाना एक ही है और उसके बाद फिर उसकी कॉपी लेनी है। सो हमें क्या क्या बनाना होगा, मुझे ये पिलर बनाना है और ये वाला पार्ट बनाना है। उसके बाद यहाँ पे जो ये गेट दिख रहा है, ये गेट का एलिमेंट बनाना है, लेकिन यहाँ पे विंडो नहीं बनाना है, ये विंडो का एरिया नहीं है, यहाँ पे लाइटिंग सोर्स है, ठीक है ना। सो वहां पे उतना एरिया बुलियन करके और वहां पे ग्लास लगा देंगे सिर्फ। यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट है। सो ये सारी चीजें बनानी है हमें। फिर उसके बाद सबसे इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पिलर्स हैं, ये ऐसे ही फेंसिंग किया गया है और यहाँ पे एक गेट लगाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सो अभी स्टार्ट करते हैं नीचे वाले पार्ट। जैसे अभी इसमें जो विंडो एंड डोर्स, ये मैनुअल हम लोग बना रहे हैं, लेकिन इन मैक्स कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो पहले से ही डिजाइन किए गए हैं। सो पहले से जो डिजाइन किया गया है मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद काम करते हैं। टॉप वर्कस्पेस में जाना है, क्रिएट मोड पे जाना है और AEC एक्सटेंडेड ले लेना है। AEC एक्सटेंडेड में क्या है, वॉल एंड रेलिंग। सो मुझे चाहिए वॉल, यहां पे स्नैपिंग टूल ऑन किया, सो मुझे क्या मिला, वॉल मिला। इसका हाइट एंड वेट यहाँ पे डिफाइन किया गया है, हाइट 5 है और सॉरी हाइट 96 है और वेट 5। ये आप मैनुअल चेंज कर सकते हो, कस्टम कस्टमाइज में, यूनिट सेटअप में, फीट में, इंचेज में जाकर सेटअप सेट कर सकते हो। यहाँ से जाओगे तो मीटर में सर बताएगा। विजिबल नहीं हो रही क्या विजिबल नहीं हो रहा? सर, वो इमेज विजिबल हो रही है। विजुअल हुआ? हाँ जी सर। सो मैं एक्सप्लेन ये कर रहा था कि जो वॉल और रेलिंग जो है इसमें वो डिजाइन करेंगे और वो कैसे इसमें अटैच होता है उसके बारे में भी बताएंगे। वर्कस्पेस टॉप होना चाहिए एंड यहां से यूज करेंगे AEC एक्सटेंडेड, फिर इसके बाद यूज करेंगे वॉल। स्नैपिंग टूल ऑन किया है, यहाँ पे देख लो, ग्रिड पॉइंट एंड ग्रिड लाइन यूज किया है मैंने। इतना कुछ समझ में आया? ये वॉल में जो ये यस बना रहे थे इसमें थिकनेस भी है और हाइट भी है। अभी इसमें क्या करने वाले हैं, विंडो बनाने वाले हैं। सो AEC एक्सटेंडेड की जगह यहाँ पे सर्च करो विंडो। सो यहाँ स्टेयर्स भी है, विंडो भी है। सो स्टेयर्स में जाओगे तो स्टेयर्स टाइप मिल जाएगा, इसमें बहुत तरीके का स्टेयर्स है। सर ये स्टेयर्स कैसे आई वो दोबारा बताना, अटक गई थी सर बीच में वीडियो। ओके।
देखो कहाँ पे स्टेयर्स चाहिए ये सब कुछ पहले फिक्स कर लो। जैसे इतना बड़ा एरिया है तो इतने बड़े एरिया में ही स्टेयर्स चाहिए। टाइप क्या होना चाहिए, यहाँ पे टाइप है स्ट्रेट स्टेयर्स, एल टाइप, स्पाइरल एंड यू टाइप। यू का मतलब ये वापस कहीं से जा करके फिर ऊपर की ओर जाएगा और इसमें हाइट होगी। सो अगर मैं स्ट्रेट डिजाइन करता हूँ तो देखो ये हुआ स्ट्रेट, ये हुआ इसकी हाइट, यहां पे गए, तो यहां पे स्टेयर्स आ गए। ये स्ट्रेट स्टेयर्स था। मॉडिफाई में जाएंगे, यहां पे क्या क्या चाहिए आपको, स्ट्रिंग्स चाहिए तो ये मिल जाएगा, इसकी लेंथ एंड वेट चेंज करनी है वो भी हो जाएगा। यहाँ पे हैंडरेल चाहिए या नहीं चाहिए देख लो, दिख रहा ना, लेफ्ट और सर राइट दोनों में चाहिए। इन दोनों के बीच हाइट कितना होना चाहिए ये सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हो। समझ में आया, यस सर ये तो था स्ट्रेट टाइप। अब इसमें आते हैं यू टाइप एंड एल टाइप। सो गो हियर, एल टाइप वर्क स्पेस टॉप लिया। एल में क्या होगा, स्ट्रेट देन जिस जगह पे जाओगे इसमें जितने स्टेप्स डिजाइन किए होंगे उतने ही स्टेप्स आएंगे। जैसे सपोज 4x4 का है, तुम 6x6 का एंटर करोगे तो 6x6 होगा। हाइट डिफाइन करो एंड देन समझ में आ रहा है। मॉडिफिकेशन सर मोड में जाओगे तो यहाँ इसको मॉडिफाई कर सकते हो। हैंडरेल इसमें भी चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों में हो गया। उसके बाद रेलिंग में जाओ और इसकी हाइट को कम कर लो। ये ऑफसेट बीच का गैप बढ़ाने के लिए, हाइट एंड वेट बढ़ाने के लिए। 90 डिग्री का एंगल है, अगर सपोज 45 का चाहिए या फिर 60 का चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो। इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए ये थिकनेस भी यहां से देख सकते हो। तो ये यूज नहीं किया है तो इसके वैल्यू यहाँ पर विजिबल नहीं है। सो यहाँ से इसको यूज करोगे तो वो भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है। सो ये प्री डिफाइंड है, पहले से ही ये ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं। इन दोनों को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, डोर्स बनाने हैं। सो डोर्स के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे डोर एंड विंडो भी है। यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे ए सी एक्सटेंडेड स्टेयर्स किधर है, विंडो में विजिबल है कैसे विंडो। सो डोर एंड विंडो यहाँ दोनों चीज हैं। विंडो पे गए तो विंडो में भी टाइप है। सो इतने तरीके के विंडो होते हैं। टॉप वर्क स्पेस में जाओ, यहाँ पे जाकर देखेंगे कि इसके मॉडिफिकेशन करना करना होगा थोड़ा सा। ये मुझे चाहिए, वेट भी चाहिए, डेप्थ इतना नहीं चाहिए। इसके बाद
इसमें ओपन क्लोज का ऑप्शन होगा, सो ये इसका ओपन क्लोज है, सो इसे ओपन कर लेना, देन इसके बाद इसको मॉडिफाई करना। सो ये वाला पॉइंट इसका एल्यूमिनियम फ्रेम होता है वो हो जाएगा, इसी में बहुत सारी चीजें हैं, ये फ्रेम हो जाएगा। ये इसका आउटर पैनल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसका ग्लास हो जाएगा। इसका फायदा ये है कि इसे बनाने के बाद आप इसे वॉल की जगह पे प्लेस करो, कोई बुलियन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये अपना सरफेस खुद ही बना लेगा। कैसे करेंगे, आइसोलेशन मोड से वापस आते हैं, इस को ओपन जो किया था मैंने इसे क्लोज कर देंगे सबसे पहले, एंड देन प्लेस। अभी क्या हो रहा है, कुछ विजिबल नहीं है, सो इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बाइंड स्पेस रैप है, सेलेक्ट करेंगे और इसकी लिंकिंग इसके साथ कर देंगे, एंड देन अब इसे प्लेस करेंगे इस जगह पर। थिकनेस बढ़ा लेता हूं मैं, सेलेक्ट दिस वन, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बाइंड स्पेस रैप भी कर सकते हो या लिंकिंग कर सकते हो। जब ये वाला टूल नहीं काम किया तो मैंने यूज किया लिंकिंग टूल और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट काम कर गया। यहाँ पे सिलेक्ट करके अब इसके वेट को कम करेंगे, सॉरी डेप्थ को कम करेंगे, समझ में आ रहा है, और इसके बाद इसे ओपन कर देंगे। मैंने इसे ओपन किया है, दिख रहा है बिना बूलियन किए हुए ये क्या हो गया, इस सरफेस में क्रॉस कर रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी सपोज 5 कॉपी चाहिए या 6 कॉपी चाहिए, शिफ्ट के साथ कॉपी करते जाओ, ये अपने आप बनाता जाएगा। So, कोई बुलियन नहीं करना पड़ रहा है और ऑब्जेक्ट भी वर्क कर रहा है पूरा, समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. इसी तरीके का डोर भी है, आप डोर बनाओ और उसकी लिंकिंग कर दो, जैसे मुझे यहाँ पे डोर चाहिए, सबसे पहले इसका देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है। सो मुझे इसकी विड्थ या डेप्थ कम करना पड़ेगा, सो मैंने डेप्थ कम किया इसका। डोर्स में बहुत सारे फीचर भी हैं इसके, सो ये फीचर यहां से इनेबल करके और इसमें चेंजेस कर सकते हो।
देखो ये फीचर क्या है, ये हाइट एंड वेट डोर के लिए है। इसके बाद ये आउटर फ्रेम है, ये इनर फ्रेम है और ये ग्लास वाला फ्रेम है। इसमें अगर चेंज करना है तो क्रिएट फ्रेम, फ्रेम में जाकर चेंज करो। यहाँ पे फिर इसके बाद लीफ, कितने पैनल चाहिए। सो अभी पैनल वन है, सो पैनल अगर इंक्रीज करोगे तो इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पैनल, ग्लास। देखो पैनल में चाहिए या नहीं चाहिए, नन कर दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, सिंपल होगा। ग्लास करोगे तो इस टाइप में होगा। अब इसमें आते हैं बेवल वाले में, बेवल में जा करके चेंज करोगे, लेकिन उस टाइम पे ये वाला चीज वो इस वाले पार्ट में हो रहा है। तो ग्लास यूज कर लेंगे एंड देन इसका ओपन एंड क्लोज स्लाइडिंग की तरह है। आइसोलेशन से वापस आएंगे और फिर इसको उस जगह पे प्लेस करेंगे जहां इसे लगाना है। लगाने का तरीका ये है कि पहले डोर या विंडो को सेलेक्ट करना है, देन लिंक कर देना है उस ऑब्जेक्ट के साथ। अब अगर इसमें मैं डोर ओपन करता हूं तो इसके इनर सरफेस विजिबल होंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। यहां से फ्लिप स्लाइड कर सकते हो, फ्रंट एंड बैक को भी फ्लिप कर सकते हो यहां से। सो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसे मैनुअल डिजाइन करना भी आना चाहिए। अगर सपोज कोई ऐसा मॉडल जो इसमें नहीं हो, इसमें तो फोर टाइप्स ऑफ डोर्स एंड थ्री टाइप्स ऑफ विंडो है, थ्री टाइप्स ऑफ स्टेयर्स है, तो अगर इसके अलावा अगर कोई विंडो या डोर बनाना है तो कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए मैनुअल डिजाइन करना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी काम इसमें जो बना हुआ है वो यूज करने से बेटर है नया बनाना। ये समझ में आ गया होगा? यस सर। और ये सारे मॉडल मिनिमम पॉलीगन में डिजाइन किए गए हैं। सो अब कल वाले मॉडल पे आते हैं, इसमें जो बचा हुआ पार्ट है उसको डिजाइन करते हैं। नीचे का एलिमेंट मैंने ग्राउंड बनाया है और इस वाले एलिमेंट को थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। सो इससे दो ग्रिड पॉइंट ऊपर किया हमने। इसके आउटर सरफेस को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे ऑल्ट क्यू के साथ।
यहाँ पे वॉल जनरेट करेंगे, ये वॉल कौन सी होगी जो अभी प्री डिफाइंड जो है इसमें ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें बूलियन करना पड़ेगा, सो बूलियन से बेटर है क्यों ना इसी को चाइल्ड पेरेंट लिंकिंग कर दें। सो ये इसी एक्सटेंडेड वॉल बाद में इसको चेंज कर लेंगे। आइसोलेशन मोड से वापस आते हैं, मुझे इस ऑब्जेक्ट में कितनी हाइट देनी है ये देख लेना है। इसके ऊपर एडिटेबल पॉली यहाँ पे डोर होना चाहिए, सो डोर भी बना लेंगे। डोर के सामने वाला यहाँ पे एक विंडो नहीं है, सो उस विंडो को पहले हटा दो। देख रहे हो ना, सो यहाँ से ये विंडो में हटा रहा हूँ, सॉरी यहाँ से नीचे का एक अलग से ही एरिया है, यहाँ विंडो का टाइप भी चेंज है। सो ये विंडो तुम लोग बना लेना। यहाँ पे डोर यूज कर रहे हैं। जब भी डोर बनाओ तो उसे आइसोलेट करके देखो कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसकी हाइट वेट में क्या कम करना है। तो ये बाइफोल्ड डोर है, ये नहीं चाहिए मुझे। इसे ओपन करने के बाद यहां से डबल डोर बनाना है, तो ये डबल डोर बन जाएगा। और इसकी अगर स्विंग अपोजिट साइड करनी है तो ये स्विंग अपोजिट साइड हो सकता है।
ऑल्ट क्यू करेंगे, सॉरी ऑल्ट ए करेंगे अलाइन करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करेंगे सेंटर टू सेंटर एक्स वाई जी पोजिशन, स्नैप टूल ऑफ कर देना है और इसको प्लेस करना है अभी डोर जो ओपन हो रहा है बाहर की ओर हो रहा है, अगर समटाइम इस पे अगर ये वाला टूल नहीं काम करता है लिंकिंग वाला, तो बुलियन यूज करना। बुलियन यूज करने के लिए क्या करेंगे, इतना ही बड़ा एक बॉक्स डिजाइन करेंगे, इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, बॉक्स ए ऑब्जेक्ट होगा, ये बी ऑब्जेक्ट होगा, कंपाउंड ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से हो जाएगा। आइसोलेशन से वापस आएंगे और यहां पे डोर का सिलेक्शन देखेंगे कि ये किधर क्योर हुआ है। डोर का डायमेंशन थोड़ा और नीचे की ओर जाना चाहिए। सो अब क्या करेंगे, जो बूलियन किया हमने उस पूरे एलिमेंट को सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे की ओर लेकर आएंगे, इसके ऊपर एडिटेबल पॉली डाल दो। अगर इसमें एडिटेबल पॉली नहीं तो इसमें ओके, इसमें एडिटेबल पॉली ही डालना पड़ेगा। एंड देन यूज वर्टेक्स, अब इसके बाद इसके डोर को ओपन करके देख लो। मैंने यूज किया था प्रो बूलियन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विंडो बने हुए हैं लाइटिंग के सोर्स के लिए, सो वो सब भी बनाने के लिए वही यूज करना होगा। स्पेस बार से वर्क स्पेस लॉक हो जाता है यहाँ पे देखोगे तो, सो वापस स्पेस बार दबाओगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बॉक्स डिजाइन कर रहे हैं फिर से, ये बूलियन ऑब्जेक्ट करने के लिए मैं बना रहा हूं। सो यहां पे लगाने के लिए भी सबसे पहले कुछ डिजाइन कर लेते हैं। इस पर डिजाइन कर रहे हैं बॉक्स से, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली एंड देन डिलीट पॉलीगन। ये दोनों पॉलीगन को हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद पूरे एलिमेंट को सिलेक्ट किया, पॉलीगन पे गए एंड एक्सट्रूड यूज किया।
लोकल नॉर्मल में करना है, इनसाइड की तरफ करना है ये। इसके बाद एज को सिलेक्ट किया, ये कॉर्नर वाली जो एज है, रिंग एंड देन कनेक्ट, टू डिवीजन कनेक्ट करने हैं इसमें। अगेन उसके बाद ये वाला पॉलीगन सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ लूप पॉलीगन सिलेक्शन होगा, एंड अगेन यूज एक्सट्रूड। इस बार एक्सट्रूड माइनस में चाहिए मुझे, सॉरी इनसाइड की ओर। सो ये फ्रेम बनेगा, एंड इसी पॉलीगन की एक कॉपी लेकर आनी है शिफ्ट के साथ, लेकिन क्लोन टू ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसमें दो बॉर्डर लाइन होगा, दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, पूरा सिलेक्शन आ जाएगा, एंड देन यूज कैप। इससे ये वाला पार्ट ग्लास बन गया। इस वाले में ब्लैक सरफेस बाहर की ओर है, सो इसमें नॉर्मल डाल दो। कलर चेंज कर लेते हैं, एंड देन इसको प्लेस कर देंगे। अब इसके बाद जितनी बार बुलियन करेंगे उसी जगह पे इसकी कॉपी के रख लेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट किया, यूज किया ग्रुप, इस बार यूज करने वाला हूं प्रो बुलियन। दोनों की कॉपी एक साथ लेकर जाएंगे, इसके बाद क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ये वॉल वाला ऑब्जेक्ट है, कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे जाना है, एंड देन यूज करना है प्रोब बूलियन। प्रोब बूलियन यूज फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट, सो स्टार्ट पिकिंग, क्लिक करते जाओ और वो सरफेस होल बनता जाएगा। होल बनने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, ये जितने विंडो हमने बनाए हैं इस विंडो को उसी जगह पे प्लेस करना है। अब इसके बाद इसकी फेंसिंग के लिए वो सारी चीजें बनानी है चारों तरफ बाउंड्री के लिए। सो बाउंड्री में पिलर यूज किया गया है, पिलर रीजॉइन करना फिर से।